फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल LCS। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बी आई एंड सेकंड वन इज हाउ टू इंस्टॉल पावर बी आई इन अवर सिस्टम। सो आज हम देखने वाले हैं कि जो डेस्कटॉप हमने जो इंस्टॉल किया पावर बी आई का, तो उसमें क्या क्या चीज आती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो आज का सेशन है वो। सो पहले जो ओवरव्यू है तो उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, तो यहाँ पे मैंने चार एरो लगाए हुए हैं, पांच। तो पहले जो हमारा मेन्यूज होता है, देन अदर ऑप्शन है यहाँ पे, देन सेकंड यहाँ पे विजुअल भी है, और ये एरो यहाँ पे भी है जो वहां से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं अपना डेटाबेस। वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, आई थिंक एक्सेल है, एसक्यूएल सर्वर और ब्लैंक टेबल और ट्रायल सैंपल डेटा सेट, वॉट एवर। सो मैं आगे के वीडियो में वन बाय वन सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या चीज है। देन लास्ट वन इज ये नया ऑप्शन आया है कि आप अपना जो डैशबोर्ड है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलो हम अपने पावर बी आई डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो वहां से अच्छे से समझते हैं कि क्या है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे तीन व्यू है, एक हमारा रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे डेटा व्यू है, जब भी हम डेटा सेट इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमें टेबल फॉर्मेट में दिखाई देगा। और सेकंड थिंग जो यहाँ पे टेबल है, सपोज कि हमारे पास अलग अलग डेटाबेस है और उसमें से हमें डेटा चाहिए, तो आपको पता होगा कि डेटाबेस में हमारे रिलेशनशिप यूज करते हैं वन टू मैनी, मैनी टू वन, तो ये चीज यहाँ पे दिखाएगी। अब हम चलते हैं हमारे जो मेनू है वो है पहले कि यहाँ पे क्या है कि जो गेट द डेटा, आप बहुत सारे डेटाबेस में से आप डेटा फेच कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सो आगे के वीडियो में जब भी मैं आपको डेटा लोड करने के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आपको शो करके बताऊंगा कि एक्चुअली किस टाइप के डेटा बेस हम कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो फॉर्मेट है उसमें से हम डेटा फेच कर सकते हैं। सेकंड थिंग एक्सेल वर्कबुक है, देन डेटा हब है जो हमारा पावर बी आई डेटा सेट है, डेटा मार्ट है उसमें से हम ले सकते हैं। सेकंड थिंग एसक्यूएल सर्वर, देन वी कैन एंटर द डेटा, ये नया टॉपिक आया अभी डेटा वर्स, सो मैं आगे उसको भी इंक्लूड करूंगा। देन सेकंड है ट्रांसफॉर्म डेटा, अभी हमें जब भी यूज करना है जो आगे आपको देखा था ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट डेटा करते हो तो एक नया पॉपअप विंडो आता है, वहां पे आप पावर क्वेरी का यूज करके यहाँ पे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेटा फेच कर सकते हो। देन है न्यू विजुअल जो यहाँ पे अवेलेबल है, आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है वो भी है, एंड मोर विजुअल दैट मीन्स आप वहां पे अपने एप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सारे हैं ये हमारे विजुअल है, जो है बार चार्ट है, ये स्टैक कॉलम चार्ट है, इसी तरह से बहुत सारे जो विजुअल है मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और कैसे नया विजुअल ऐड भी कर सकते हो उसमें। ओके, देन सपोज के मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया है बार चार्ट, अगर मुझे इसका फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट विजुअल। ओके, तो यहाँ से भी आप यहाँ फॉर्मेट जाके, अभी हमने कोई डेटा सेट नहीं लिया लेकिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई डेटा फिल्टर करना है यहाँ से तो आप यहाँ पे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो लगा के तीन ऑप्शन में आप फिल्टर कर सकते हैं, अगर आपको विजुअल में फिल्टर करना हो डेटा या पेज में करना हो, और जो सारे बहुत सारे पेज हम यहाँ पे बनाते हैं बॉटम में तो उसमें भी फिल्टर करना हो तो हम वहां से कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग कि यहाँ पे एक्सेस दिए हुए हैं तो आप वहां पे अपना डेटा डाल के आपके हिसाब से हम आप कर सकते हो, उसको शोकेस कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक विजुअल्स। देन ये है हमारा मेन्यूज, वहां पे न्यू विजुअल जो मैंने पहले बताया, तो ये डीकम्पोजिशन ट्री भी है जो यहाँ पे भी अवेलेबल है विजुअल में भी। सो ये सारे विजुअल है, हम विजुअल को इंसर्ट कर सकते हैं, और जो पावर ऐप है जो हम एम्बेड कर सकते हैं दूसरी जगह पे, एंड पावर ऑटोमेट जो हम यूज करते हैं कि कोई भी ऑटोमेटिक टास्क है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। देन बटन हम यूज कर सकते हैं, सेफ है, एंड इमेज भी हम वहां से कॉल कर सकते हैं। देन मॉडलिंग, अगर सपोज हमें कुछ नया टेबल बनाना है, कोई नया पैरामीटर डालना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैनेज रिलेशनशिप, न्यू मेजर, क्विक मेजर एंड न्यू कॉलम। तो ये जो चार थिंग है, जो चार ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बी आई में, और ये हम अपनी थीम बना सकते हैं व्यू में, जो कस्टमाइज थीम बना के हम उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे विजुअल में। देन सेकंड थिंग है पेज व्यू, अगर आपको पेज कैसे एक्चुअल चाहिए लाइक दिस,
एक्चुअल साइज, तो ये पेज की साइज होती है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ से भी आप अपना पेज साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी ऑप्शन है, लेटर है, टूल टिप है, कस्टम है, तो ये सारी चीज मैं अपना एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। देन सिलेक्शन ऑप्शन है कि आपको क्या लेयर सिलेक्ट करना है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस एनालाइजर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से रिकॉर्ड करके आप किसी को भेज भी सकते हो। देन सिंक स्लाइसर, तो स्लाइसर जो हमारा है वहां से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, क्योंकि सपोज कोई भी ऑप्शन है कि आपको डेटा यूज कर रहे हो आप, और पुराना डेटा है और आप नया डेटा अपलोड किया है, तो यू कैन सिंक्रोनाइज योर स्लाइसर एज वेल। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा कि इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है। देन लास्ट वन इज अ फॉर्मेट, सो आपको पीछे ले जाना हो, बैक एंड में लाना हो, सिलेक्शन अलाइनमेंट करना हो, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के रिलेटेड है। देन ये ऑप्शन है डेटा ड्रिल, ड्रिल थ्रू है, मीन्स अगर सपोज आपने एक यहाँ पे ईयर लिया हुआ है और आपको दूसरे पेज में उसको शोकेस करना है, सो यू कैन इजिली यूज द डेटा ड्रिल एंड वेरीफाई द डेटा और शोकेस योर विजुअलाइजेशन इन द अनदर पेज। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो ओवरव्यू है क्या क्या यूज होता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, मीन्स ये मेन्यूज है, हो फाइल्स है, सॉरी यहाँ से, सो यहाँ से लेके मैं सारी चीजें आपको अलग अलग वीडियो में डालूंगा, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द पर्टिकुलर मेन्यू और पर्टिकुलर विजुअल और एनी पर्टिकुलर पर फंक्शनलिटी ऑफ द पर्टिकुलर मेन्यू। ओके, सो सपोज मैं आगे डालूंगा कि चलो डेटा में नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम पेज साइज कैसे रिसाइज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में हम रिसाइज करते हैं अपना पेज साइज, पेज साइज मीन्स ये है हमारा। ओके, तो कैसे रिसाइज करते हैं उसको, देन सेकंड मैं बनाऊंगा उस पर डेटा कैसे कॉल करते हैं, कैसे विजुअल अप्लाई करते हैं, कौन कौन से विजुअल अवेलेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें हैं। मैं वन बाय वन आपको डेटा कॉल करके सारे विजुअल समझाने वाला हूँ। सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। सो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि ये जो पावर बी आई डेस्कटॉप है उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीज अवेलेबिलिटी है। सो आगे जाके जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे विथ माई यूट्यूब चैनल एंड लर्न द माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई इन हिंदी। थैंक यू।